नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। माही के जज्बे, उनके शांत स्वभाव, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का हर कोई दीवाना है। गंभीर रहते हुए उनकी खेल की परख की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेने के बाद उनके खेल को लोगों ने कमजोर भी बताया था। यहां तक कह दिया था कि क्योंकि माही की उम्र हो गई है, इसलिए उनसे पुराने जैसे खेल की उम्मीद करना गलत होगा। लेकिन अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विजय पारियों के लिए मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने माही को वनडे का बेस्ट फिनिशर बताया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल का मानना है कि धोनी अब भी दुनिया के बेस्ट फिनिशर हैं। चैपल कहते हैं कि किसी के पास भी उनकी तरह मैच फिनिश करने की जीत वाली सूझबूझ नहीं है। मैच के आखिरी पलों का वर्णन करते हुए चैपल कहते हैं कि कई बार उन्होंने सोचा कि इस बार धोनी ने थोड़ी देर से शॉट लगाया, लेकिन थोड़ी देर में हैरान हुए कि उन्होंने दो ताकतवर शॉट जड़कर भारत को रोमांचक जीत दिला दी। चैपल यही नहीं रुके, आगे कहते हैं कि धोनी बाहर से जिस तरह शांत चित दिखते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में वो जिस तरह खुद को बदल लेते हैं, वो इस बात का सबूत है कि उनका दिमाग ऐसी परिस्थिति में कितने बेहतरीन ढंग से काम करता है। इसके अलावा चैपल ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तुलना खेल के महान सूत्रधारों में से एक माने जाने वाले माइकल बेवन से कर दी। चैपल ने कहा कि धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के छठे नंबर के इस बल्लेबाज को भी पीछे छोड़ दिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि बेवन मैच का अंत चौके से करते हैं और धोनी छक्के से अपना मैच फिनिश करते हैं।